भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर एसडीओपी आरकेएस राठौर के मार्गदर्शन में अमायन थाना प्रभारी दीपेंद्र यादव और साइबर प्रभारी शिव प्रताप रजावत ने मुखबिर की सूचना पर मडयन नाका तिराहे पर तीन आरोपियों को चारों तरफ से घेराबंदी कर पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2,900 रुपए, 10,05,000 रुपए की नकली नोट और प्रिंटर जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना अमायन का मडयन तिराहा के पास नाका के पास एक गिरराज ढाबा है, जिसके पीछे कुछ लोगों की नकली नोट छपाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध लोगों को राउंड अप किया। उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 2000 के और 200 के कुछ नोट जो है वो पुलिस ने बरामद किए, जो चेक करने पर नकली नोट पाए गए। उनकी निशादेही पर पुलिस ने जब सर्चिंग की तो पुलिस को उन नोट के संबंध में उसको छापने वाले प्रिंटर वगैरह पुलिस को बरामद हुए। इसमें पुलिस ने तीन आरोपियों को राउंड अप किया है। उनके दो साथी जो हैं जो इस मामले में संलिप्त थे वो अभी फरार हैं। इन आरोपियों के ऊपर पूर्व में थाना मऊ भिंड में नकली नोटों के विषय में एक मामला पंजीबद्ध हो चुका है और एसटीएफ के द्वारा भी इन पे नकली नोटों का मामला पंजीबद्ध किया जा चुका है। भिंड से ईएमएस टीवी के लिए अमरकांत सिंह चौहान की रिपोर्ट। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।